का पहले चरण के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप देखना चाहेंगे तो सुरक्षा के मुद्दे पर जितना मजबूत कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इतना कार्य कभी नहीं हुआ। कांग्रेस, सपा, बसपा जितने दल हैं, इन दलों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद फला फूला था, आतंकवाद पनपा था, अराजकता पनपी थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश की बागडोर अपने हाथों में ली, तो भाइयों बहनों तब तक देश के 270 से अधिक जनपद ऐसे थे जो नक्सलवाद की चपेट में थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि आज 270 से घटकर के केवल 5 से 6 जिले ऐसे हैं जो आतंकवाद नक्सलवाद की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा या बसपा की सरकार रही हो, इन सरकारों के समय सदैव हम इस बात को देखते थे, किसान आत्महत्या करता था, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर दाम नहीं मिलता था, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। हम लोग जब प्रदेश की सरकार में आए तो प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 6 वर्ष का बकाया था, 2011 से लेकर के 2017-18 तक का गन्ना मूल्य का बकाया था। सपा की सरकार रही है या बसपा की सरकार, 5-5 वर्षों में लोग 50,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाते थे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने मात्र 2 वर्ष में 62,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है और हमने तय किया है जब तक किसानों के खेत में गन्ना रहेगा तब तक कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी, और अगर किसी सीजन में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ तो फिर चीनी मिल मालिक को जेल जाना होगा, जेल की तैयारी करने की भी तैयारी करें। वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता है, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक एक उस पर मैं कह सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने 1.5 करोड़ परिवारों को आवास की सुविधा, देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।